कोई कुछ ना कहीं से फालतू में बनाया मैंने दिमाग। जयशु क्या बोलती आप कहाँ जा रही हो? हम जा रहे हैं। गाँव में जलन पैदा नहीं करेगा, कपड़े पर दाग नहीं छोड़ेगा। लग रहा है मेरा ड्रोन पेड़ में फंस गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने ट्राई किया बुलेट चलाने की, तो हमने कई बार कोशिश की स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट ही नहीं कर पाया हमें। और एक बार लेके भी गया तो वहाँ जाके खड़ी हो गई, चला नहीं पाया मैं। दीदी भैया नमस्ते नमस्ते। कहाँ चली गई थी हमें छोड़ के? कहाँ चली गई थी? कैसे बना दिया? बढ़िया सा। तो हम चलते हैं और हम लोग गाड़ी निकालेंगे, करने वाले हैं खूब मजा। हुर्रे चल जा। निकल गई। ले जाओ, हो गए, निकल गए। देखेंगे अपने खेत, हमारे बहुत सारे खेत हैं वहाँ पर, हमारे शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी है, तो बस कुछ ही देर में वहाँ पहुँचेंगे हम। हाँ मम्मी, मेरी जन्मभूमि है ना वो। नहीं बेटा, जयशु क्या बोलती आप कहाँ जा रही हो? हम कहाँ जा रहे हैं? हम खेत पर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं खेत, हम जा रहे हैं गांव, जिसके अंदर है बहुत अच्छा खेत, जहां बहुत ज्यादा इमली है। इमली भी है? अरे बकरी देखो कितनी सारी है। कहां जा रही हो जयशु? हम जा रहे हैं खेत। किसके खेत जा रहे हैं हम लोग? मेरे पापा के। पापा के? मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को प्लांट बहुत पसंद है। और मेरे को जैसे प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाती है, वो तोड़ देती है, उखाड़ देती है, तो मैं तो उनको पानी देते रहता हूँ हर रोज। नहीं बनाएगा, घाव में जलन पैदा नहीं करेगा, कपड़े पर दाग नहीं छोड़ेगा, हाशमी मरहम लगाने के बाद खुजली नहीं होगी, 24 घंटे के अंदर खाक नहीं उड़ाएगा, खुजली को खत्म करेगा। सूखी खुजली है, दानेदार खुजली है, खुजली कमर में है, गर्दन पर है, गर्मा गर्म मिठाई बन रही है, कुछ देर में हो जाएगी खाने के लिए तैयार। भाई कौन सी मिठाई है ये? हाँ ये दूध की बर्फी बनने जा रही है। ये हमारे सुनील दद्दू। टिक्की समोसा नहीं है, आलू पूरी मिलेगी, खाओगे? आलू पूरी मिलेगी। मेरा बेटा क्या खाएगा? नहीं यहाँ वाला चीज मिलेगी।
अपने गांव जाने से पहले एक स्टॉपेज पड़ता है भगवानपुर, तो हम भगवानपुर में रुके हुए हैं। यहाँ पे हम छोली कूड़े खाएंगे। यहाँ का समोसा और चाट बहुत ही पसंद है सभी लोगों को, तो मंजू वही खाने जा रही थी लेकिन वो आज अवेलेबल नहीं है। तो हम पूड़ी और सब्जी खाएंगे। भैया एक प्लेट ये और दे दो सेम। अरे जैसो चाय पी रही हो, तुम कब से चाय पीने लगी? और तुम क्या पी रहे हो दिखाओ? खाली का अभी चाय पीएंगे। ठंडी है क्या? ये दिखाओ। छोला के साथ में पूड़ी ले आओ। छोले के साथ पूड़ी, सब्जी पूड़ी खा लो ना। पूड़ी और सब्जी और छोले का स्वाद बिल्कुल निराला है और वही स्वाद है जो आज से कुछ साल पहले मैं यहाँ खाया करता था। बाद ये मौका मिला खाने का, बहुत अच्छा लगा अपने चौराहे पर आकर के भगवान को। यहाँ दारू भी मिलती है? दारू यहाँ नहीं मिलती, दारू वहाँ की मिलती है। टपरी पे खाने का एक टेस्ट ही अलग होता है, ऐसी जगहों पे खाने का एक अलग ही टेस्ट होता है। क्या है जैसू, क्या कर रही हो? हम चिप खाने वाला। आप क्या खाने वाले हो? मैं क्या बोलते हैं प्लस की टॉफी। 16 वर्ष पहले 2004 में दुकान की ओपनिंग हुई थी। मुझे चौकी से जाना था अपने गांव, तो मैं बेरनापुर चौकी से न जा करके मैं स्पेशल भगवानपुर इसलिए आया कि यहाँ का मैं चाट और समोसे खा के जाऊँ। मेरी वाइफ को यहाँ का समोसा बहुत पसंद है, तो उन्होंने सबसे पहले समोसे की ही डिमांड की। ले रहे हो तुम लोग, क्या लेना है? टॉफी पिला दो। टॉफी खा लो, क्रैक्स मत खाओगे। ये टॉफी 1 रुपए की, 10 दे दो। 3 वो ले ली, 7 रुपए। 20 ले लो, गाँव में दे देंगे बच्चों। हमारे गांव का बाहर का रोड है लेकिन हम गांव के अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले एक तूफान आया था जिसकी वजह से गांव के एंट्री पॉइंट पर बरगद का पेड़ था वो गिर गया है, जिसकी वजह से हम गांव में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि पहले हम अपने खेत पर जाएं, खेत देखें, फिर गांव में एंट्री करें दूसरे रास्ते से। ये वही जगह है जहाँ हमारे पापा कभी गांव आते थे, तो उनके एक फ्रेंड थे, यहाँ पर बैठते थे उनके साथ में और चाय वाय पीते थे, काफ़ी टाइम तक रुकते थे यहाँ पर। जिस सड़क पर इसमें हम लोग चल रहे हैं, कुछ साल पहले ये पूरा एक जंगल और बहुत बड़ी बाग हुआ करती थी। इस जगह जहाँ हम रुकने जा रहे हैं, बहुत साल पहले की बात है, जब हम लोग गांव में रहते थे तो पापा ने हमारे यहाँ पे बोरिंग करवाई थी और जो खेती थी पूरी हमारी, तो खेती की सिंचाई इसी बोरिंग से करते थे। और अभी हम लोगों ने यहाँ छोड़कर हम चले गए शहर में, तो ये जो जगह है यहाँ पर हमारे जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर बस गए हैं। ये मेरे पति देव अब करने जा रहे हैं, ड्रोन उड़ाएंगे। अपने खेतों में आए हम लोग, भराई चाय है खेतों में ड्रोन उड़ाने के लिए। बच्चा पार्टी सब एंजॉय कर रही है, देखो ये भी कितने खुश है यहाँ का, कभी मुंबई में इतना खुश देखा है इन्हें?
रहा, मेरा ड्रोन पेड़ में फंस गया। ड्रोन को फ्लाई करते करते बहुत ही पीछे लेके चला गया मैं, और मेरी आंखों से काफी दूर हो चुका था तभी शायद उसके सामने बहुत ही बड़ा पेड़ आ गया और उसे टकरा गया। अभी पता नहीं है कि ड्रोन का गिम्बल ब्रेक हो गया है या वापस बैक टू होम आ पाएगा कि नहीं,